स्वर्ण कारों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सौजन्य से हॉलमार्क पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। VIS के प्रदेश हेड डी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में स्वर्ण कारों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान बताया गया कि जो स्वर्ण कार हॉलमार्क आभूषण बेच रहे हैं उसे VIS में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आगामी दिनों में लाइसेंस चेक करने के लिए स्वर्ण कारों की दुकानों में रेड भी की जा सकती है, ताकि इस बात का पता चल सके कि कोई स्वर्ण कार बिना लाइसेंस के हॉलमार्क ज्वेलरी तो नहीं बेच रहा है। उन्होंने कहा कि सोने की शुद्धता की जांच के लिए समय समय पर मार्केट से सैंपल भी लिए जाते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया व दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। VIS के प्रदेश हेड डी चक्रवर्ती ने शहर के स्वर्णकारों को भारतीय मानक ब्यूरो के नए हॉलमार्क एक्ट के बारे में जागरूक किया और बताया कि जो भी स्वर्णकार हॉलमार्क युक्त ज्वेलरी बेच रहा है या बेचना चाहता है, उसके लिए अब भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि कोई भी स्वर्णकार बिना लाइसेंस के हॉलमार्क VIS युक्त ज्वेलरी बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट के तहत स्वर्णकार को कम से कम एक साल की जेल, 1,00,000 रूपए जुर्माना व कुल टर्नओवर का 5 गुना जुर्माना लग सकता है। वहीं दूसरी ओर उपस्थित स्वर्णकारों ने सवाल पर अपनी शंकाओं को दूर भी किया। जागरूकता कार्यक्रम में शहर के करीब 50 स्वर्णकारों ने भाग लिया। इस मौके पर सराफा एवं स्वर्णकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामजी चौहान, सचिव लेखराम वर्मा, कोषाध्यक्ष सचिन वर्मा एवं संरक्षक दर्शन सिंह व महेंद्र वर्मा सहित अनेक स्वर्णकार मौजूद रहे। हम लोग अभी जो नया एक्ट है 2016 जो 12 अक्टूबर 2017 से इनेक्टेड हुआ, उसमें प्रावधान है ये हॉलमार्किंग बेचने वाला जो रिटेलर है उनको VIS से लाइसेंस लेना जरूरी है। हमारा एक्ट में प्रावधान है अगर किसी का पास VIS लाइसेंस नहीं है फिर भी वो IS हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच रहा है और कहीं पे उसने एग्जिबिट करके रखा है एग्जिबिट टू सेल, इन दिस सिचुएशन देयर विल बी पनिशमेंट फॉर जेल अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल लास्ट एनुअल टर्नओवर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हिच एवर दे आर बीइंग सोल्ड और टू बी सोल्ड।